नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर आकृति बनी हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि क्या आएगा। उसके पहले हम यहाँ पर लिखे अंकों को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 7, फिर है 5, 4, 9, 40, 17, 3, 5, 8, 54, 10, 6, 7, 3 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें यहाँ पे पता लगाना है। उसके पहले इन दोनों आकृतियों में हमें समझना होगा कि यहाँ पर ये अंक कैसे आया है। तो ये देखिए, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, उसी प्रकार से 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 आएगा, तो इन सबको जोड़ेंगे तब भी 40 नहीं आएगा। तो यहाँ पर अवश्य कहीं ना कहीं पर गुणा हुआ है, तो हमें काम करते हैं यहाँ से इसका गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 × 5, 7 × 5 हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें से इसको घटा देते हैं, 7 × 5, उसके बाद फिर हम यहाँ पे धन कर देते हैं, 9 ऋण 4। क्या किया हमने, इसका इसके साथ गुणा किया, उसके बाद धन का चिन्ह लगाया और 9 में से 4 को घटा दिया। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं, क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 धन, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, तो 35 और 5 कितना हो गया, 40, यहाँ पे लिखा हुआ है 40। उसी प्रकार से दूसरे क्रम में हम बढ़ते हैं, क्या किया था हमने, इसका इसके साथ गुणा किया था, तो इसका भी इसके साथ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 17 × 3 धन, 8 में से किसको घटा देंगे, 5 को घटा देंगे हम, तो 8 ऋण 5। अब करते हैं, 17 + 3 कितना होता है, 51 धन, 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, अब 51 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54, यहाँ पे दिया गया है 54। ये देखिए, अब तीसरे वाले को हमें सॉल्व करना है, क्या किए थे हम, इसका इससे गुना किए थे, तो इसका इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 × 60 धन, 7 में से 3 को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, तो 7 × 3 = 3 करते हैं, कितना हो जाएगा, 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 60, उसके बाद धन, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 60 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 64। तो यहाँ पर तीसरी वाली जो आकृति है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ पर आएगा 64। क्या किया हमने, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 7 × 5 = 35 किया और यहाँ से जो अंक आया है उसको घटाया, उसके बाद यहाँ पर जो अंक बीच में लिखा हुआ है वो आया है, उसी प्रकार से हमने किया है, 17 × 3 = 51 और यहाँ से 3 जो है माइनस हुआ, तो 51 में से 3 जोड़ा तो 54। उसी प्रकार से हमने तीसरे वाले में किया, 10 × 6 किया तो 60 आया, और 60 में से यहाँ पे माइनस किया तो 4 आया, और उसको जोड़ दिया तो आया 64। तो 64 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो प्रश्न को समझना है कि आपको आकृति में कैसे दिए गए हैं अंक, कहाँ पर जोड़ा जा रहा है, कहाँ पर घटाया जा रहा है। प्रश्न को अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।